उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, दुनिया का इकलौता त्योहार होली ही तो है जो हमारे जिंदगी को रंगीन बनाता है। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। साथ ही साथ आप सभी से एक विनती है, शरीर पे चाहे कितना भी मैल क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, मन के अंदर मैल नहीं होना चाहिए। इस होली के अवसर पे आप सभी से एक और विनती है कि शरीर का मैल धोने का प्रयास करे ना करे, मन का मैल जरूर धो ले। और जिसके अंदर, जिसके मन में मैल नहीं होता है, उसका साथ भगवान भी देते हैं, वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। और साथ ही साथ बिहार के लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि दीपावली हो, छठ हो, दशहरा हो, होली हो, या किसी भी प्रकार का त्योहार हो, किस प्रकार से आप लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर मंगल ग्रह पे भी कोई आदमी रहता होगा तो उसे शायद पता होगा कि त्योहारों के समय में बिहारी कैसे कष्ट झेलते हैं। और जब इनका कष्ट जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने आता है, तो सरकारें जो है डायरेक्ट झुठला देती है और बोलती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सरकारें सच बोल रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं, सरकारों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिहारी को जो है अगला होली में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, दीपावली छठ में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, जैसे दूसरे राज्य के लोगों को नहीं होता है, तो आप सभी को इस होली के अवसर पे प्रण लेना होगा कि आप अपने जिंदगी का 10% हिस्सा, आप अपने एक दिन का 10%, आप अपने एक साल का 10% जो है बिहार को समर्पित कर देंगे। आप जरा बताइए, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की राजनीति करने वाले लोग ही पिछले 40 साल से जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, और वही लोग कहते हैं कि हम दलितों का उत्थान करेंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे, वंचितों का उत्थान करेंगे, शोषितों का उत्थान करेंगे, तो फिर उन्हें रोका किसने है? 40 साल कम होता है क्या? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, 40 साल से और आप ही लोगों का हक मारते आ रहे हैं। तमिलनाडु में क्या हुआ है बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। रेलवे स्टेशन पे लोग आके अपना अपना घाव दिखा रहे हैं और उस घाव को जो है सरकार झुठला दे रहा है। यानी कल अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो सरकार झुठला देगा, बोलेगा कि झूठ है, झुठला रहा है। और जो आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है उसके ऊपर FIR सरकार कर दे रहा है। सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इस होली के अवसर पे रंगों का त्योहार, जो दुनिया का इकलौता त्योहार रंगों का है, जो आपकी जिंदगी को रंगीन बनाता है, आप अपने दिल का मैल साफ कीजिए और देखिए दोनों आंखों से, चश्मा लगा के नहीं, दोनों आंखों से गरीबों को किस प्रकार से समस्या हुआ है। पटना रेलवे स्टेशन पे अनेकों लोग आके अपने पेट का घाव दिखाए हैं, पीठ का घाव दिखाए, और वो वीडियो जो है मेरे चैनल पे नहीं चला है, सुनने में आ रहा है गोपालगंज के लोगों के साथ भी कुछ हुआ है। फिर से मैं कह देना चाहता हूं, सुनने में आ रहा है, जांच सरकार आप करवाइए, आप निर्णय लीजिए, आप रिपोर्ट सबमिट करवाइए और ईमानदारी पूर्वक करवाइए, क्योंकि जब हम लोग बोल देते हैं तो FIR हो जाता है। होली के देखिए आपका पुलिस प्रशासन, मैं फिर से कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी आपको कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के शासन काल में मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, कभी FIR नहीं हुआ मेरे ऊपर। और आज होली है, आज होली है, और कल रात में मेरे बेतिया वाले घर पे और मेरे गांव वाले घर पे पुलिस ने ले जाके नोटिस चिपका दिया। जरा सोचिए मेरे माता पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा, क्या सोचते होंगे कि अपना त्योहार तो मनाता ही नहीं है मनीषवा, हम लोगों का भी त्योहार खराब कर दिया, परिवार का त्योहार खराब कर दिया। या अगर ऐसा नहीं सोचते होंगे तो टेंशन में होंगे कि बेटा के ऊपर FIR हो गया, नोटिस आ गया, गांव में आ गया, घर पे आ गया। गांव के सैकड़ों लोग मुझे फोन किए कि मनीष यार, होली के समय में तो कम से कम आना चाहिए, हम लोगों के साथ होली मनाना चाहिए, तुम तो नहीं आए लेकिन सरकार का नोटिस आ गया घर पे। जरा सोचिए कितना मन गंदा करेंगे आप लोग, बताइए मैंने क्या गुनाह किया है? वो जाके घाव देखिए, अगर मैं गलत हूं फांसी पर लटका दीजिए मुझे, मैं मुझे लटका दीजिए, लेकिन उस घाव का तो मरहम बनने का प्रयास कीजिए। सरकार किसने रोका है?
आप लोगों के पास सत्ता है, पावर है, सब कुछ है, मुझे पता है बिहार पुलिस के जवान गलत नहीं है, बिहार पुलिस का अधिकारी गलत नहीं है, कभी भी मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूं बिहार पुलिस के अधिकारियों के लिए भी कि भगवान करे उनकी जिंदगियां जो है खुशियों से भर जाए, उनके परिवार वालों की जिंदगियां खुशियों से भर जाए, लेकिन बिहारियों की जिंदगी खुशियों से कब भरेगी सरकार? ये सवाल करना गुनाह है क्या? इस सवाल के लिए आप लोग फांसी पर लटकाएंगे क्या? इस सवाल के लिए जो है आप लोग एफआईआर करेंगे क्या? तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा गया है कि नहीं मारा गया है, बताइए तो, आप ही बताइए ना, आप ही बताइए। जब विपक्ष सवाल करता है कि तमिलनाडु में मारा गया, तो आप अडानी के प्लेन पे चले जाते हैं तेजस्वी यादव जी, और सिर्फ आपकी बातों को सत्य साबित करने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के बात करते, आप बुलाते, आप फोन कर लेते, बातचीत हो जाता कि क्यों मनीष जी क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं, आइए बैठ के बात करते। आप 10 पत्रकार को बुलाते, आप बैठते हैं, मीटिंग करते, अरे तब ना बिहार बनेगा। यहां पे तो दोष की द्वेष की राजनीति की जाती है। अरे अपना जिंदगी रंगों से भर जाए, भले बिहारी जो है मार खाए, उनकी जिंदगी जो है बेरंग हो जाए, बदरंग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलाते आप, क्या दिक्कत है? 10 पत्रकार को बुलाते, 20 पत्रकार को बुलाते, 20 समाजसेवी को बुलाते, 20 मजदूरों को बुलाते, वहां से जो आए हैं 20 अलग अलग पार्टियों के नेताओं को बुलाते, बातें होती, सार्वजनिक किया जाता वो बात को, ये होता तरीका, और इससे लोगों के नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती। अरे आप जिस यादव और मुस्लिम के वोट बैंक से, जो देखिए मैं कड़वा बोलता हूं, जिस यादव और मुस्लिम के वोट बैंक से आप अपने आप को जो है मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं 2025 में, अरे उन्हीं को बुला के पूछते कि उनके बच्चे मार खाए हैं कि नहीं खाए हैं, पूछिए तो सही। अरे सबसे ज्यादा तो यादव भाई जो है बाहर जाके काम करते हैं, सबसे ज्यादा बिहार में, बिहार के। अरे उनके परिवार वालों से पूछ लेते, अरे वो लोग होली मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, आप लोगों का होली तो पूरा मीडिया में छाया रहता है, आप लोग अगर एक किसी को रंग लगा देंगे तो पूरा मीडिया में तेजस्वी यादव ने लगाया रंग, तेजस्वी यादव ने खेला होली। अरे हमारे बिहार के लोग होली खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, ये कौन डिसाइड करेगा? उनकी होली रंगों वाली है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? और ये सवाल होना चाहिए कि नहीं? मन का मैल साफ कीजिए सरकार, मन का मैल साफ कीजिए, विनती है आपसे। जो एफआईआर हुआ उससे हम लोग डरने वाले नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारा एफआईआर हुआ है मेरे ऊपर। क्या हो जाएगा, कितना सजा देंगे आप? आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, होली के दिन मैं स्पेशली आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच? नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ नोटिस देता है, सिर्फ नोटिस, एफआईआर नहीं, नोटिस देता है, तो आप लोग पूरे देश में हंगामा मचाते हैं कि कैसी स्वतंत्रता की आजादी, कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपका पुलिस तो नोटिस नहीं दिया, पहले डायरेक्ट एफआईआर कर दिया, पहले नोटिस तो मिलना चाहिए। मैं अगर जवाब देता और मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होता पुलिस, तो मेरे ऊपर एफआईआर कर देता। आपकी पुलिस तेजस्वी यादव जी, बिहार पुलिस नहीं, आपकी पुलिस, नोटिस देना चाहिए था मुझे। और हां, मैं भी एक नोन चेहरा हूं, अननोन चेहरा नहीं हूं तेजस्वी यादव जी, आपसे डेढ़ गुना फॉलोअर है सोशल मीडिया पे मेरा। और अगर आप कहेंगे कि गलत वीडियो बना के मेरा फॉलोअर है, तो मैं भी कहूंगा कि आपका गलत भाषण दे दे के फॉलोअर है, लोगों को भरमा के फॉलोअर है, लोगों को मूर्ख बना के, झूठा आश्वासन दे के, झूठा घोषणा करके आपका फॉलोअर है, अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो। विनती है तेजस्वी यादव जी, युवा है और युवा ऐसा नहीं करता है, पीठ पीछे खंजर नहीं घोपता है युवा। आप बताइए, आप जाइए ना, छोड़ दीजिए ना, आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि 1990 से लेके 2023 के बीच में कितने यादवों को आप लोगों ने रोजगार दिया, उससे ज्यादा यादवों की हत्या हुई है बिहार में। लिस्ट सार्वजनिक कीजिए ना, कर दीजिए लिस्ट सार्वजनिक, सामने आ जाएगा। दलितों की, वंचितों की बात करते हैं, जिसका पिता जो है कोलकाता में मोची का काम करता है, उसके बेटे के ऊपर एफआईआर कर दिए आप लोग। यार उस छोटे से गरीब परिवार के बच्चे के वीडियो की वजह से बवाल हो जाएगा, और आप लोगों के वीडियो की वजह से बवाल नहीं होगा, हद है यार। मतलब कि अब इससे नीचता वाला काम तो नहीं होगा कि एक मोची के बेटे के ऊपर आप लोगों ने एफआईआर कर दिया और कह दिया कि इसी के वीडियो की वजह से बवाल हुआ है, और आप लोग जो विधानसभा में किया उसके वजह से नहीं हुआ, जरा सोचिए। और वही दलित वंचित शोषित की बात करते हैं, अरे आप लोग दलित वंचित शोषित की बात करके उनका हक मारते हैं,
और जब तक दलित दलित रहेगा, वंचित वंचित रहेगा, शोषित शोषित रहेगा, तभी तक आप लोगों की राजनीति दुकान चलेगी, वरना आप लोगों की राजनीति दुकान जो है ना वो खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा, बिहार के लोग मानेंगे और एकदम मानेंगे। और बस तेजस्वी यादव जी, युवा है, किसी को दिल से रुलाने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना वो अगर दिल से बद्दुआ देगा ना तो लग जाएगा। और भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और जब भगवान का लाठी गिरता है ना तो आवाज नहीं करता है, दर्द भी नहीं करता है, वो क्या करता है वो सबको पता है। आप अपने चक्कर में, और मैं बहुत सम्मान करता हूं आपके बड़े भाई का, तेज प्रताप यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत। मैं सम्मान करता था आपका भी कि युवा है, चलिए आगे आएंगे, बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो विधानसभा में आपने बोला ना कि नहीं झूठ है, बिहारी मार नहीं खा रहे, वहीं पे आप चूक गए, वहीं पे आपने गलती कर दिया। बिहारी एक राज्य में मार नहीं खाए, अनेकों राज्य में मार खाए। और मेरा एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए आप, मैं बीच पटना के चौराहे पे फांसी लगाने के लिए तैयार हूं। एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए जिसमें मैंने कहा हो कि तमिलनाडु में तमिल लोग जो है बिहारी को मार रहे हैं। मैंने बोला कि तमिलनाडु में बिहारी मार खा रहे हैं, और आज भी मैं इस बात पे कायम हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जैसे आप लोग कहते हैं। फौजी का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने वीडियो में कहा है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मार खाए हैं, और मैं कहा था, कहा हूं और कहता रहूंगा। इस बात पे मैं कायम हूं, और मैं कोर्ट में भी जाके ये बात कहूंगा। मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा, मैं पलटूंगा नहीं आप लोगों के जैसे। बस बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जिस दिन आपके बच्चे मार खाएंगे ना, उस दिन मनीष कश्यप जैसे लोग आप लोगों के साथ खड़े होंगे, ना कि ये विधानसभा में बैठे जो सत्ता दल के नेता हैं, ये लोग नहीं खड़े होंगे। और विपक्ष को मैं पहली बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम बिहारी मजदूर के लिए आप लोग विधानसभा में लड़े तो सही। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है जब बिहारी मजदूरों के लिए विधानसभा में लड़ाई हुआ है, और इसके लिए विपक्ष को तहे दिल से धन्यवाद। और सत्ता दल को बस इतना ही कहूंगा, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, आपके FIR से हम लोग डरने वाले नहीं है। जब बोलिएगा, जहां बोलिएगा वहां गिरफ्तारी दे देंगे, वरना आप मेरे मोबाइल को ट्रेस कीजिए, जहां से मन करे वहां से टंगवा लीजिए, टंगवा लीजिए। अभी नहीं टंगवाए हैं तो इतना हंगामा, जिस दिन टंगवाइएगा उस दिन बिहार के लोगों को पता चल जाएगा, और फिर बिहार के लोग जो है एक एक सवाल पूछेंगे ना तेजस्वी यादव आपसे, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी दोषी है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के खिलाफ और भी बहुत सारे नियमों के खिलाफ मेरा 500 से ज्यादा वीडियो है, सोशल मीडिया पे जाके चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे 500, फेसबुक पे 500, इंस्टाग्राम पे 500, इतने सारे वीडियो। आज तक नीतीश कुमार जी का गृह मंत्रालय तो मुझे मेरे ऊपर FIR नहीं किया, सिर्फ तेजस्वी यादव जी का वो विधानसभा का बात सही साबित करने के लिए मेरे ऊपर FIR हुआ है। और कौन कराया है मुझे पता है, मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बताया, यहां तक कि कुछ सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भी बताया कि FIR जो है पुलिस ने नहीं किया है, करवाया गया है, ये बात सत्य है। और विनती है आप सभी से, बिहारियों के जिंदगी को रंगीन करने का प्रयास करें, बदरंग मत करें। जय हिंद।